जैसे राम मंदिर है और बहुत सारे मुद्दे हैं, ये इस पर बीजेपी जीतेगी, राम मंदिर बनवा दिया इसलिए जीत जाएगी क्या बीजेपी? नहीं, ऐसा नहीं है कि राम मंदिर बनवा दिया इसलिए जीत जाएगी। बीजेपी जो जीत रही है वो अपने कार्यों से जीत रही है। सत्ता खत्म कर दी, राम मंदिर बनवा दिया और भी घर घर राशन दे रही है, अच्छे से सारे काम कर रही है। मोदी जी सपने में आए आपके? हाँ बिल्कुल आए सपने में। क्या आया था सपना बताइए जरा। सपने में आए बैठे, बात हुई, आशीर्वाद दिया, मैं आपकी भी और 5 साल आगे भी तुम्हारी सरकार रही। मैं सोचता हूँ ईवीएम अगर बदल दिया जाए, अगर बैलेट पेपर में वोट कर दी जाए तो जो है सरकार चेंज हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। सिर्फ ईवीएम बदलने से भारतीय जनता पार्टी के वोट रुकेंगे क्या, या कोई और सरकार आएगी? ईवीएम ही क्यों आपने? ईवीएम में वो अपना कुछ कर देते हैं जिससे कि मशीन सीलो हो जाती है या कुछ भी है, वोटिंग का सेटिंग का कुछ भी सिस्टम कि हम वोट दे रहे सपा को और बज रहा है बीजेपी को। बिल्कुल। अच्छा, मोदी जी के दीवाने हैं हम तो, मोदी जी ही बनेंगे पक्का। लोकसभा चुनाव 2024 की आहट तो आप सभी सुन रहे होंगे कि किस तरीके से सारी पार्टियां जो है वो जनता को रुझाने के लिए क्या कुछ कर रही हैं। जगह जगह हम देख रहे हैं कि इस वक्त जगह जगह रैलियां चल रही हैं, जोर शोर का प्रचार चल रहा है। हम लोग इस वक्त तुगलपुर गांव में मौजूद हैं, जहां पर आम जनता से हम लोग बातचीत करेंगे। और अक्सर आपने देखा होगा कि चर्चा जो होती है वो चाय पर होती है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि मेरे कैमरा पर्सन ने जो एक फ्रेम बनाया हुआ है उसे ध्यान से देखिए कि हम चर्चा करेंगे हुक्के पर। और ये तमाम लोग हैं हमारे साथ, इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अब की बार किसकी सरकार, क्या कुछ इनके पास मुद्दे हैं, कि किस आधार पर ये लोग वोटिंग करने वाले हैं। चलिए तो सीधा बातचीत करते हैं इन लोगों से। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम रोहतास चौधरी है, मैं तुगलपुर गांव से हूँ। ग्रेटर नोएडा। सर मुझे ये बताइए, हवा कहाँ है अब की बार, लहर कहाँ है, क्या लग रहा है अब की बार? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हवा देखिए भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी से लोग खुश हैं कि जो भी सरकार ने काम किए माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी द्वारा, लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। और उनके प्रेशर या दबाव से या किसी भी तरीके से आप कह सकते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधित्व हैं वो भी काम अच्छा कर रहे हैं। क्षेत्र में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उनको हल कराने की ही कोशिश करते हैं, तो लोग उनसे खुश हैं। खुश है जी, मतलब अब की बार 400 पार का आंकड़ा पार होगा? जी उम्मीद तो यही है कि 400 के ऊपर ही अब के जो है बीजेपी को सीटें मिलेंगी। हाँ ये बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि हम तो इधर उधर जाते रहते हैं क्षेत्र में, बाहर भी जाते हैं, तो जहाँ पे भी जो बात आती है वो कई ऐसे मुद्दे आ जाते हैं, जैसे राम मंदिर है और बहुत सारे मुद्दे हैं। इस पर बीजेपी जीतेगी, राम मंदिर बनवा दिया इसलिए जीत जाएगी क्या बीजेपी? नहीं, ऐसा नहीं है कि राम मंदिर बनवा दिया इसलिए जीत जाएगी। बीजेपी जो जीत रही है वो अपने कार्यों से जीत रही है। किसानों के अकाउंट में देखिए डायरेक्ट पैसे आ रहे हैं। पहले अगर सरकार से कुछ मिलता था तो अगर सरकार से 10 रुपए जो रिलीज हुए तो किसान के या किसी भी के पास जो आना था वो आते आते ना 2 रुपए रह जाते थे। अच्छा। अब डायरेक्ट पैसा जो आ रहा है और लोगों को उसका फायदा मिल रहा है, तो इसलिए भी लोग जो है अच्छा सोच रहे हैं। ठीक है, कोई टक्कर में है या नहीं है? अगर गौतम बुद्ध नगर की बात करते हैं, तो गौतम बुद्ध नगर में अभी तो कोई टक्कर पे है नहीं इस तरीके का जो है, कोई जो मजबूत कैंडिडेट हो। मैं ये बताइए कि प्रधानमंत्री पद पे किसको देखते हैं और उनकी टक्कर में कौन है, मोदी जी की टक्कर? मोदी जी की टक्कर में इस समय तो कोई नहीं है। कोई नहीं है, सही सहमत है इनकी बात से? हाँ सहमत है। अरे बिल्कुल सहमत, बीजेपी के दीवाने लग रहे हैं आप। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बीजेपी ऐसा काम कर रही है तो कह रहे हैं। क्या काम करा है ऐसा बीजेपी ने जो आप उनको वोट डाले? चीन सत्ता खत्म कर दी। अच्छा। राम मंदिर बनवा दिया और भी घर घर राशन दे रही है, अच्छे से सारे काम कर रही है। अच्छा, तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते क्या? कभी नहीं बनेगा वो। कभी नहीं बनेगा? नहीं, उसमें कोई ढंग ही नहीं है। क्या नहीं है ढंग बताइए?
चलिए नीतीश कुमार बन सकते हैं फिर? नहीं बनेंगे जी, नहीं बनेंगे। राहुल गांधी तो बन सकते हैं ना प्रधानमंत्री? राहुल गांधी जी का अभी नहीं कहा जा सकता है। अच्छा। अभी उनको और मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा। तब कुछ सोचा जा सकता है। कितनी मेहनत वो करेंगे? भारत जोड़ो यात्रा निकाल दी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल दी, अब वो बिल्कुल ही क्या करेंगे अब? कांग्रेस से तो जो कांग्रेस के जो लोग थे, जो कांग्रेस में पिछले 30 साल से 40 साल से जुड़े हुए लोग थे, वही उनसे परेशान है, क्योंकि वो किसी को आगे बढ़ने ही नहीं देते। अगर ऐसा बढ़ने का वो होता तो राजस्थान में अब की बार भी कांग्रेस ही आती, अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया गया होता तो। अच्छा। उसी बात से सब लोग नाराज होकर के वहाँ के, आज वहाँ भी बीजेपी की सरकार है। अच्छा। कांग्रेस के साथ यही होता रहे। ये बताइए, इधर आइए आप, क्या लग रहा है आपकी बार चाचा, माहौल क्या है? माहौल बढ़िया, बीजेपी का, बीजेपी आई। मुझे तो अभी ऐसा लोग बोल रहे थे, आप तो लेकिन बीजेपी के पक्ष में नहीं है ना? पक्ष में, मोदी जी सपने में मुझसे बात करी है। अच्छा। और मैं भी लड़ूंगा उनके पक्ष में, निर्दलीय लड़ूंगा मैं उनके पक्ष में। मोदी जी सपने में आए आपके? हाँ हाँ बिल्कुल आए सपने में। क्या आया था सपना बताइए जरा? सपने में आए, बैठे बात हुई, आशीर्वाद दिया, मैं आपकी भी और 5 साल आगे भी तुम्हारी सरकार रही। किसने आशीर्वाद दिया? आपने दिया? मैंने। तो मोदी जी आपसे बड़े हैं या आप बड़े उनसे? मोदी कितने साल है, बड़े होंगे 2-3 साल, मैं 73 है, उनकी 75 होगी। फिर मतलब रिटायरमेंट नहीं लेनी चाहिए क्या मोदी जी को? अभी नहीं, अभी सरकार, अभी और 5 साल आवा, 5 साल और 10 साल होगा। क्या काम कर रहे हैं ऐसा मोदी जी, आपके लिए क्या काम किया उन्होंने? हमारे क्या पब्लिक के लिए कर रहे हैं, और अपने लिए थोड़ा कर रहे हैं, पब्लिक के लिए सब कर दिया। भ्रष्टाचार, इतना पैसा कमाया सब रोक दिया उन्होंने, सब ने जो विदेश पहुंचा दिए पैसे। अच्छा। चलिए ठीक है, इधर आइए सर, क्या लग रहा है आपकी बार सरकार मोदी जी की आएगी? हम तो मोदी जी के दीवाने हैं। अच्छा। जी सब मोदी लहर, भगवा लहर? नहीं, मोदी जी की लहर है, भगवा लहर है। दे हमारा जो समाज इतना अच्छा चल रहा है, दंगे बंद हो चुके हैं, जो चोरी चकारी हो रही थी वो बंद हो चुकी हैं, झगड़े बंद हो गए। जैसे राम मंदिर पे इतने 70 साल से वो झगड़ा चलते आ रहा है, वो ख़त्म हो गया। 370 थी वो ख़त्म हो गई। कोई भी ऐसा काम देख लो, रोड देख लो, आज के टाइम में कुछ भी देख लो, सब चीज़ें, टाइम नहीं लगता। कहीं यहाँ से आज नखलऊ जाना था, 2 घंटे में पहुँच जाएगा आदमी। बम्बई जाना, 6 घंटे में, 8 घंटे में बम्बई पहुंच जाएगा। तो सब चीज एकदम होता तो मोदी जी तो आने ही आने। कौन है, राहुल गांधी हैं टक्कर में? मायावती बन सकती है मुख्यमंत्री? नहीं, मायावती बन सकती है, मायावती बहुत अच्छी थी, पर अभी नहीं है, अभी यहाँ पे गायब कहाँ हो गई है? बस कुछ अपने उनने भी कुछ ऐसे काम किए होंगे जो नहीं आ पाई। अच्छा, क्या कहना है सर आपका, क्या ख्याल है मायावती के बारे में? नहीं, आपसे ही पूछूंगी। अब सही ख्याल है? सही ख्याल है। हाँ जी, हाँ जी। क्यों, सही क्या ख्याल है? बढ़िया चल रहा। हाँ जी, चलिए इधर चलते हैं जरा, क्या ख्याल है आपका मायावती के बारे में? मायावती एक अच्छी लीडर थी, पर अभी वो है नहीं सत्ता में, फिर आने का चांसेस है। देखिए, चांसेस है। अखिलेश यादव बन सकते हैं मुख्यमंत्री? नहीं। क्यों नहीं बन सकते? क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं क्यों नहीं बन सकते? जातिवाद। अच्छा, जरा थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइए। एक्सप्लेन, हमेशा एक ही उसके तरफ रुख रखा है उन्होंने। अब उसको मैं खोल के तो नहीं बता पाऊंगा आपको, हमेशा एक ही धारणा रही है उनकी और उनके बारे में ही उन्होंने हमेशा सोचा है। अच्छा। जी आप क्या सोचते हैं सर? अब की बार तो बीजेपी सरकार ही है, मोदी, ये तो नोएडा है, यहाँ तो पहले से बीजेपी, अभी भी बीजेपी है। अच्छा। हाँ, यहाँ कोई नहीं। आप क्या सोचते हैं कौन आएगा आपकी बार, किसकी सरकार, जनता क्या चाहती है? मैं सोचता हूँ ईवीएम अगर बदल दी जाए, अगर बैलेट पेपर में वोट कर दी जाए तो जो है सरकार चेंज हो सकती है। चेंज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। सिर्फ ईवीएम बदलने से भारतीय जनता पार्टी के वोट रुकेंगे क्या, या कोई और सरकार आएगी? ईवीएम ही क्यों आपने बोला? ईवीएम में वो अपना कुछ कर देते हैं, जिससे कि मशीन सीलो हो जाती है या कुछ भी है, वोटिंग का सेटिंग का कुछ भी सिस्टम, कि हम वोट दे रहे सपा को और बच रहा है बीजेपी को। बिल्कुल। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, किसको देखते हैं आपकी बार प्रधानमंत्री पद पर? अब इस ऐसी सिचुएशन में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। चलिए सिचुएशन अगर, चलो बैलेट पेपर पे अगर हम करवा दे चुनाव, तो क्या लग रहा है किसको आप प्रधानमंत्री पद पर देखते हैं, कौन बने आपकी बार प्रधानमंत्री? राहुल गांधी जी बनेंगे। राहुल गांधी जी, बिल्कुल। क्या
क्या काम कर रहे हैं सर राहुल गांधी जी? राहुल गांधी जी जो रोड बने हैं सब बने हैं, सब ये राहुल गांधी जी की नीतियाँ ही तो है जो अब बन रहे हैं, सब राहुल गांधी जी ने निकाले हैं सारी। ठीक है, आपका क्या ख्याल है प्रधानमंत्री पद को? मोदी जी के दीवाने हम तो, मोदी जी ही बनेंगे, पक्का। मायावती नहीं बन सकते? नहीं बनेंगे। अखिलेश यादव? नहीं बनेंगे। मोदी जी ही हैं, भगवान हैं, पक्का। देखिए, हम लोगों ने जनता से बातचीत करने की कोशिश की और उनका दिल किस तरफ है ये आपने देख ही लिया होगा कि लोग क्या चाहते हैं, अब की बार किसकी सरकार बने और इनके पास मुद्दे क्या हैं कि जिसके आधार पर ये लोग वोट करेंगे। आखिर आपकी राय क्या है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन अजीत सिंह के साथ आरजू दुबे, श्रेष्ठ भारत, नोएडा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।